हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोदी केयर का एक और दमदार प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, जो है सोलफ्लावर कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कच्ची घनी का जो तेल होता है सरसों का, वो कितना बेहतरीन तेल होता है। कि आप देखिए, मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन हैं, तो मोदी केयर तेल की क्वालिटी और नॉलेज और बेनिफिट आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। आज भारत के हर घर की रसोई में सरसों के तेल की भीनी भीनी जो खुशबू है मिल ही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर घर में कच्ची घानी का जो मस्टर्ड ऑयल है, ये चलता ही है। और अब जब मोदी केयर ने ये लॉन्च करा है, तो बेहतरीन क्वालिटी के साथ आया है। पहले इसमें सिर्फ रिफाइंड ही था, अब कच्ची घानी तेल भी आ चुका है, जो कि अचार से लेके सब्जी तक में इस्तेमाल होता है। हाथ पैरों की मालिश तक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए, तो आज हम बात करेंगे मोदी केयर के शुद्ध कच्ची घानी सरसों के तेल की, जो शहर से लेकर गांव, गांव गांव से लेकर आज दिल्ली से लेकर पंजाब, और पंजाब से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर गुजरात से मुंबई, मतलब अन्य सभी देश के सभी राज्यों में मोदी केयर के शुद्ध कच्ची घानी सरसों के तेल की खुशबू भीनी भीनी फैली हुई है। और सिर्फ कच्ची घनी सरसों का तेल ही नहीं, मोदी केयर के सभी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। आप सभी प्रोडक्ट को देखें, एक से एक दमदार प्रोडक्ट है। धूम मचा रखी है मोदी केयर ने अपने देश में। देश के कोने कोने में आज मोदी केयर के प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं और धूम मचा रहे हैं। इसी तरह से आज आप देखिए, कच्ची घानी जो सरसों का तेल है, वो मैंने खुद भी इस्तेमाल करा, बहुत बेहतरीन तेल है। इसके अचार, पोहा आप बनाएं, आप मतलब हमेशा से हमने देखा है कि जो मस्टर्ड ऑयल है बेहतरीन रहता है सेहत के लिए भी। मोदी केयर शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल जो है, वो शुद्ध होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। इससे हेल्थ अच्छी रहती है। इसकी तासीर गर्म होने की वजह से सर्दियों में ये अत्यंत अत्यंत लाभकारी रहता है। सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तेल से आप पनीर से लेके सरसों का साग तक बना सकते हैं, और किसी भी साग में, सब्जी में तड़का लगा सकते हैं, है ना। तो मोदी केयर सरसों के तेल से बने खाने में स्वाद बढ़ता ही है और स्वाद बढ़ता ही जाता है। ये देखिए, मोदी केयर के जो सरसों के तेल से जो मालिश की जा सकती है ना, तो कहते हैं कि सरसों के तेल से पहले क्या होता था, सरसों के तेल की मालिश करते थे बड़े बुजुर्ग, तो जो अक्सर एक एज के बाद जो घुटनों में पेन होने लगता है, मसल्स हमारी अकड़ने लगती हैं, अगर हम सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके उससे मालिश करते हैं, मस्टर्ड ऑयल से, कच्ची घानी से, तो उससे हमारी बॉडी को भी बहुत आराम मिलता है और दांतों के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है। देखिए, सरसों का तेल आप समझ सकते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, इसके डेमो भी मैं आपको, इसको डेमो का वीडियो भी आपको आपके लिए लाऊंगी बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से। क्योंकि कच्ची घानी जो है बहुत ही, अगर इसमें मिलावट होती है ना, तो वो किस तरह से आप पता कर सकते हो, और मिलावट नहीं है वह भी आप किस तरह से पता कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक डेमो लेकर आऊँगी। और बहनों भाइयों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो, मैं सही बताऊँ, बस प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं ना मोदी केयर के मेरे से रहा नहीं जाता बिना वीडियो बनाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये भी लगेगा कि आप लोग सच में मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, और मोदी केयर से बहुत बहुत प्यार भी करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, देखो।